नमस्कार, ज्ञान भी वरदान भी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ग्रहों की बात करते हैं तो शनि, ओ माय गॉड, शनि बोलते ही ऐसे लगता है कि घबराने लगते हैं लोग। शनि बोलते ही डर लगने लगता है, शनि का नाम सुनते ही घबराहट होने लगती है। लेकिन शनि के बारे में समझना ज्यादा जरूरी है कि शनि अगर परेशान करते हैं तो किन लोगों को परेशान करते हैं। देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर भी देते हैं, ले जाते हैं तो फिर किन लोगों से कुछ खास ले जाते हैं छीन करके। शनि निर्दोष किसी को नहीं सताते। शनि के बारे में बात करें तो अंधेरे का सीधा डायरेक्शन जो है कि शनि का कंसर्न अंधेरे के साथ है। शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि की दृष्टि के ऊपर सीधा संबंध आ जाता है। अगर शनि की बात करते हैं तो न्याय और जस्टिस की भी बात आ जाती है। अब शनि के ऊपर ये भी कहा जाता है कि शनि की जो दृष्टि है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग दृष्टि होती है, यानी सामने वाले को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। अब शनि की बात आपको बताते हैं कि शनि आखिर है कैसा। शनि एक ऐसा ग्रह है जहां जिसके आस पास इर्द गिर्द पूरा रिंग टाइप का आकृति बनी हुई है, यानी उसके चारों ओर एक रिंग छल्ला जैसा दिखता है, ऐसा होता है शनि। अब खगोलीय घटना की बात करते हैं तो गुरु के बाद, यानी गुरु के बाद अगर जो बड़ा ग्रह कोई होता है वो शनि ही होता है। सूर्य से अगर हम बात करते हैं तो सूर्य से छठा ग्रह होता है शनि, और बृहस्पति के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे दूसरा बड़ा ग्रह माना जाता है मंडल में शनि ही। अब शनि की जब बात आती है तो जस्टिस की बात आती है, यानी न्याय, न्याय के देवता है शनि। तो जब न्याय के देवता है शनि तो फिर सताएंगे क्यों? न्याय के देवता है शनि तो फिर आपको परेशान क्यों करेंगे? अगर आप न्याय प्रिय व्यक्ति हैं तो फिर डर काहेगा, फिर घबराना किसी चीज का क्यों? कुल मिलाकर के शनि की भूमिका हमारे जीवन में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यक्ति विशेष से ही चलता है। यानी जब हम दूसरों को नहीं सताएंगे तो शनि हमें नहीं सताएंगे, जब हम दूसरों का हक नहीं मारेंगे तो शनि हमें नहीं परेशान करेंगे, जब हम झूठ और फरेब का सहारा नहीं लेंगे तो शनि नहीं सताएंगे। अब आती है बात की शनि की दृष्टियां, क्योंकि शनि की दृष्टियों का प्रभाव होता है। शनि जहां बैठते हैं वहां बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छी एक बैलेंस कर देते हैं सिचुएशन को, लेकिन शनि जहां देखते हैं तो वहां उनका इम्पैक्ट नेगेटिव होने लगता है। इसीलिए शनि की दृष्टि से डरा जाता है, घबराया जाता है, शनि की दृष्टि से मन में एक वहम, एक डर उत्पन्न होता है। लेकिन कर्म प्रधान भी है शनि, यंत्र मंत्र रत्न और मूल, इनके प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो शनि सबसे पहले अगर एक तरफ इनके प्रभाव को बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस के स्वामी होकर के इन सारे परिवारों, इन सारे प्रभावों को खंडित भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि से घबराना नहीं होता, क्योंकि शनि आयु के स्वामी भी कहा जाता है, शनि लंबी बीमारियों के कारक भी कहे जाते हैं। एक तरफ लंबी बीमारियां देते हैं, दूसरी तरफ आयु भी प्रदान करते हैं। शनि तकनीक के कारक होते हैं, शनि हमारी जीवन के अंदर एक बैलेंस भी बनाते हैं, लेकिन तब बनाते हैं जब हम अपने माइंड से बहुत ही क्लियर होते हैं, जब हम दूसरे का नुकसान करने का माइंड के अंदर कोई ख्याल नहीं लाते हैं, जब हम हर चीज को बहुत ही सभ्य तरीके से करते हैं, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी जेलिस बन के। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम शनि की बात करते हैं तो शनि की भूमिका हमारे जीवन में तभी अच्छी होती है जब हम कोई भी चीज न्यायप्रिय होकर के करते हैं। अब शनि की राशि की बात करते हैं कि कौन सी राशि में शनि उच्च के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन मेष राशि में, यानी अपने पिता मेष राशि यानी मंगल की राशि में शनि नीच के होते हैं। तो उच्च का जो बल प्रदान होता है उन्हें तुला राशि में होता है, जो कि शुक्र की राशि है, और नीच का बल प्रदान होता है उन्हें मंगल की राशि, जो कि मेष की राशि में।
शनि की जो दशा होती है 7.5 वर्ष की होती है। ढैया, शनि ढैया हम बोलते हैं, तो आपको जब भी कोई लगता है डर सता रहा है, घबराहट हो रही है, वहम हो रहा है, तो आपको शनि आराधना जरूर करनी चाहिए। लेकिन कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करें, क्योंकि न्यायप्रिय शनि कभी भी किसी को नहीं सताते हैं, और निर्दोष तो वो बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करते हैं। हमें हमेशा हमारे अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छी चीजों का सहारा लेकर के चलना चाहिए, वो है आपकी पॉजिटिविटी। जब आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तब हम बहुत ही अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर लाते हैं, और तब हम कभी भी किसी दूसरे का नुकसान करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, और ये विचार भी हमारे दिलो दिमाग पर नहीं आते हैं, वही शनि प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनि से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, न्यायप्रिय है शनि, आपका सहयोग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ चीजों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो शनि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें ही अच्छा होना पड़ता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।